कैसे लगे स्टोरी? कैसे स्टोरी की बात स्टोरी करते हैं जॉन और बोलो की एक्टिंग के बारे में पूछ रहे थे। गाने गाने के तब गाने के अच्छे स्टार ऑब्वियस 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? हां कैसे लगे तुमको? अच्छी है फिल्म। स्टोरी कैसी थी? अच्छी एकदम अच्छी। सर एक्टिंग की बात की तो जॉन और बोलो की एक्टिंग कैसे लगी? जॉनी विनोद की एक्टिंग अच्छी है। गाने किस टाइप के थे? गाने कितने पसंद आए? सब गाने अच्छे। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे जी? 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे मूवी? 5 से 5 स्टार। कैसे लगी मूवी? अच्छा अच्छी मूवी। जॉन और वरुण की एक्टिंग के बारे में बताएंगे कैसे लगी? अच्छा एक्टिंग है, दोनों का अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। सिर्फ और स्टार्टिंग में सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है, बट एक्स्ट्रा हो गया। ओके 5 में कितने स्टार देना चाहेंगे? सॉरी 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे मूवी को? 4.5। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो तो कैसे लगी मूवी? अच्छी। जवान और मुर्गी एक्टिंग के बारे में अच्छी थी, दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा। स्टोरी कितनी लंबी है? स्टोरी एंटरटेनिंग थी काफी। म्यूजिक अच्छा। कोई सा मूवी का डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया जॉन या दोनों? मुझे वापस जाके देखना था। ओके 5 स्टार में कितने स्टार देना? 2.5। थैंक यू। कैसे लगी मूवी? अच्छी थी, काफी अच्छी थी। जॉन बर्न की एक्टिंग के बारे में? एक्टिंग दोनों की बहुत अच्छी थी। स्टोरी कितनी समझ आई और क्या स्टोरी से क्या सीखा, मतलब क्या सीख लिया? स्टोरी काफ़ी सिंपल थी और काफ़ी अच्छी थी, और स्टोरी मतलब वरुण धवन का कॉमिक रोल काफ़ी अच्छा था। 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 to 4 स्टार्स। ओके थैंक यू। वेलकम। ओके सर कैसी लगी? वेरी गुड। जॉन और वरुण की एक्टिंग के बारे में? वेरी गुड। स्टोरी कैसी थी? अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। गानों की अगर बात की जाए? गाने भी काफ़ी अच्छे थे। कोई सर ऐसा डायलॉग जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? लगान वाला। लगान वाला मेरे को ध्यान नहीं है बट। ओके ओके 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे? आई थिंक 4। या थैंक यू। बहुत अच्छी है। ओके कैसी लगी सर मूवी आपको? फिल्म बहुत जबरदस्त है जी और सुपर हिट है जी। जॉन और वरुण की एक्टिंग के बारे में? जबरदस्त, दोनों ने जिस ढंग से जोड़ी बनी जी, दोनों ने कमाल किया और पिक्चर बहुत चलने वाली है। आप जितनी देर पिक्चर में बैठेंगे ये समझ लीजिए आपका माइंड कहीं नहीं जाएगा। फाइटिंग भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छा है जी। इस समय इससे अच्छी अभी कोई फिल्म नहीं है, यहाँ तक एक कवाली को पीछे छोड़ चुकी है ऐसा मान के चलिए। ये बहुत अच्छी है और जॉन ने बहुत अच्छा काम किया और ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि ये फिल्म चलेगी नहीं, दौड़ेगी और हर व्यक्ति परिवार का देख सकता है और नए ढंग से नई स्टोरी बनाई। अच्छा और कमाल तो ये किया कि इसने देश से जोड़ा, विराट कोहली की जगह इन्हें विराज बना दिया और अपने इंडिया को और पाकिस्तान के मैच को बहुत अच्छे ढंग से जोड़ा और जोड़ के उन्हें देशभक्ति के हिसाब से इन्हें सेट किया। फिर पुलिस कैसे कंट्रोल करती है, कैसे उन्हें उसको ढूंढा, और ज़बरदस्त है फिल्म। तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं और हम 5 में से ऐसा मान के चलेंगे 4 स्टार पक्के हैं। वैसे तो गाना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिल्म ने बांध के रखा और बहुत पैसा खर्चा किया डायरेक्टर ने और फिल्म ऐसी बनती रहे तो देखते रहे लोग। तो कोई व्यक्ति देखते। थैंक यू। ओके थैंक यू।